मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस सही में कुछ करना ही चाह रही है अच्छा, तो जैसे कि हर इलेक्शन में जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर वही पैसा समझ लो गरीबों में कोई मकान बना के, किसी को रोजगार दिला के, या कोई कंपनी ऐसी गृह उद्योग बोलते हैं जिसको, वो करके अगर समझ लो, मैं तो बोलता हूँ करोड़ों को नहीं, खाली 5-10 लाख खाली पब्लिक को अगर देगी, तो दूसरी जो करोड़ों पब्लिक है वो देख के उसको वोट देगी। पर अभी हम देख रहे हैं कि वो हर एक इलेक्शन में इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है कि वो कचरे के समान जा रहा है पैसा, एकदम वेस्टेज, एकदम वेस्टेज। जैसा कि समझ में आ रहा है कि ये कचरे का डब्बा है और उसमें पैसा डाला जा रहा है, कांग्रेस ये अभी कर रही है। अगर उसको सही में अच्छा करना है देश के लिए, ज्यादा अपने इंडिया में है जो टैक्स लगता है ना, सबसे ज्यादा अपने इंडिया में, अपने वही है भाई। मैं यूएस जाके आया, मेरे को यूएस जाके आया। अच्छा, अपने म्युनिसिपल टैक्स कितना भरते हैं? देश को इतना म्युनिसिपल टैक्स लेना चाहिए? नहीं नहीं, आप म्युनिसिपल टैक्स कितना भरते हैं? मैं कोई टैक्स नहीं भरता, मुझे कोई टैक्स आपको पता है? आप कितना भरते हो? हम नहीं, मैं कुछ नहीं भरता, पर जो भर रहे हैं ना वो हंसी खुशी भर रहे हैं, क्योंकि वो कमा भी रहे हैं सामने, और जो नहीं कमा रहा है वो ये सोच के वो सोच रहा है कि मैं क्यों नहीं कमा रहा हूँ। पर भाई अगर तेरे में समझ लो कि नहीं बोलते, ब्रिटिश चले गए, अंग्रेज चले गए, पर गुलामी छोड़ के चले गए, तो इन लोगों को रोजगार चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए। अगर पानी पूरी की लारी भी डालेगा तो 1000 रुपए 2000 रुपए कमा लेगा वो, पर इनको मजूरी करना है और सरकारी नौकरी चाहिए और 1 घंटा पढ़ना है, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी जैसे कि ये अपने बात चल रहा है कि अपने देश में क्या बोलते हैं कि एक बहुत कर्जा है, तो समझ लो कि सामने कर्जा होने के बावजूद अपना देश में जो विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन बन रही है, और बुलेट ट्रेन बन रही है, फिर बाहर के लोगों इधर इधर आने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसे अपनी देश की कंडीशन आ रही है। पता नहीं होगा आपको, पता है गुजरात यूनिवर्सिटी में आज कितने बाहर से लोग पढ़ रहे हैं यहाँ? अभी धोलेरा का तो बात रहना ही, अभी वो तो किया ही नहीं। धोलेरा अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है, मोदी जी का स्वप्न सिटी है, जो जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर वहाँ प्लॉटिंग है, समझ लो कि एक फॉरेन कंट्री वहाँ पे बन रही है, समझ लो कि वहाँ थूकोगे तो भी है, उधर पेनल्टी है, वहाँ क्रिमिनल रह नहीं सकते, समझ लो। और अभी मोदी जी समझ लो ऐसा कर रहे है कि जैसे कि कोई क्रिमिनल है जिससे नागरिक को परेशानी हो रही है, देख लो, अरे हर जगह पे देख लो, अगर कोई खराब कर रहा है, कोई बुरा भी, तो अगर नागरिक का बुरा नहीं हो रहा है तब जाके वो चल रहा है।